यह दोस्तों यहाँ का जोशीमठ का व्यू पॉइंट, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है जोशीमठ। जोशीमठ नीचे से पूरा खोखला हो गया है और समाप्ति के कगार पर है। प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह भगवान से कि अभी भी जोशीमठ को बचाया जा सके। पर अब किस प्रकार से जोशीमठ को बचाया जाएगा यह तो लगता है मुझे संभव नहीं है। अब हो सकता है क्या संभव? अब नीचे से तो कुछ भरा नहीं जाएगा, यहाँ अब टूटने की कगार पर है। इतनी सारी जनसंख्या कहाँ भागेगी? सबसे पहली बात तो ये है, जो यहाँ के लोकल हैं वो तो अपने घरों में चले जाएंगे, अपने गांव के घरों में। पर जिन्होंने अपनी सारी कमाई यहाँ जोशीमठ में लगा करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, वो आखिर कहाँ जाएंगे? सरकार भी उन्हें आखिर कितना देगी? हो गया अब तेल खत्म, अब कहाँ जाना भी, हम कड़क और थे मैं। स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का पहाड़ी पैदल ट्रेवलर के साथ। ठीक है मित्रों, तो आज मैं पहुंच चुका हूँ अभी बड़ा गांव में। आपने देखा स्कूटी का तेल खत्म हो गया वहाँ पे उसकी। तो देखिए दोस्तों, बड़ा गांव के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पर। बड़े प्यार से और बड़े आराम से पहिया के पेड़ देख सकते हैं आप, हरे भरे हैं आजकल पूस के महीने में। कितनी दरारें यहाँ पर रोड पर पड़ चुकी है आप देख सकते हैं नीचे पर। पुलिस वाले अपने कार्यों पर लगे हुए हैं, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर घूम रही है और देख रही है कि कितनी जोशीमठ में लोग घूम रहे हैं और खतरा है जोशीमठ में लोगों को, इसलिए पुलिस वाले अपने कार्यों पर लगे हुए हैं, परमानेंट अपने कार्यों को कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, बड़े प्यार से और बड़े आराम से हम भी आपको दिखाते हैं जोशीमठ के पूरे नज़ारे की लोगों में कैसे अस्त व्यस्त लोग अभी घूम रहे हैं यहाँ पर। ये दो बिल्डिंगें हैं जो सबसे पहले गिरने की कगार पर आई, माउंट व्यू होटल। यहाँ पर दोनों होटल एक साथ मिल चुके हैं और पूरी दरारें आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं मित्रों। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सीधा ठीक है, यहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया मेरे दो मित्रों ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अब यहाँ से आगे चलता हूँ पैदल, फिलहाल गाड़ी तो है नहीं। तो मित्रों अभी मैं पहुँच चुका हूँ ठीक पैनी के समीप में। यहाँ पर बकरियाँ चल रही है, बकरियों का घर जाने का समय हो चुका है। ठीक है मित्रों, और बड़े प्यार से और बड़े आराम से मुझे यहाँ पहुँचना पड़ा। ओडा बाखर दगे जी, ओ चलो ठीक है। ओ तब वह कॉलेज में हूँ मुझे, हाँ गाड़ी गुड़ी नहीं मिलता फन तो तब पैदल लेगी बट ना यो आ रही माई की। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमको भोटा जी मिले। तो दोस्तों यहाँ से जाना है अभी हमने आगे, जो बहुत आगे पहाड़ भी जला हुआ है। आपको बहुत देर पैदल चलने के बाद मैं अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ दोस्तों। पैदल चलने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, कभी कभार मजबूरी में चल रहे हैं बोल रहे लोग। तो दोस्तों एक आशा की किरण, पीछे से एक गाड़ी आ रही है भगवान की कृपा से। बड़े प्यार से और बड़े आराम से मैं चल रहा हूँ, भगवान ने मुझे एक गाड़ी भेज दी। भगवान आपका शुक्रिया, आपको बहुत सारा, मेरे दिल की हृदय की गहराइयों से प्यार, लव यू। बढ़ाते क्या बहुत दिक्कत होने सही बात बिल्कुल सही बात
पैदल भी जान माथी बाटे के वो बाटो ओलवाते बात है बद्रीनाथ वा रोड तो वन तपन में जान तो वहाँ कोई दिक्कत बात है नहीं।